2024 का लोकसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है, जब से वो चाहती है कि वो हर राज्य में अपनी जीत हासिल कर सके। आपने गुजरात में आम आदमी पार्टी को दांवपेच आजमाते हुए देखा, पंजाब में जीत हासिल कर चुकी हैं, उत्तराखंड में भी अपनी मौजूदगी पेश करती हुई देखी गई हैं बीते चुनावों में। अब वो कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है, वो खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना दांव पेच आजमाने के लिए अब बिहार में भी लग चुकी है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुँचे। आपको बता दें कि बीते एक दिन पहले की बात है, जब नीतीश कुमार से कांग्रेस की तरफ से दिग्गज चेहरे उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, एक बैठक की थी। बैठक में फैसला लिया गया था कि किस तरीके से मोदी सरकार को हराना है, किन नीतियों पर काम करना है और विपक्ष एकजुटता कितनी ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब बिहार में देखी जा रही है। राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और तमाम और दिग्गज चेहरे बिहार में अपनी मौजूदगी पेश कर रहे थे। केजरीवाल ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, काफ़ी मुद्दों पर चर्चाएं हुई, किन नीतियों के साथ वो आगे बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ बोलते हुए केजरीवाल नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने के बाद। क्या कुछ केजरीवाल ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो हम लोग तो बातचीत करने आए ही थे, आपको मालूम है, बातचीत हो गई सर, पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। क्या तय हो गया, थोड़ा कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से, और उसके बाद वहाँ जो बात हुई उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही, आज फिर आ गए, आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन बता दिया कि हम लोग अभी मिल तो नहीं। सर, इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उस उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, अभी हम लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको, लेकिन अडानी जी पर कई राज्यों में अडानी जी पर शरद पवार आ रहे हैं, विपक्ष ने यूरिया का मुद्दा बनाना, ऐसे में आपका क्या लेना है। आपने केजरीवाल को सुना और चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने साफ शब्दों में यही कहा है कि हर राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी और यहाँ पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने तानाशाही रूप आजमा रखा है और अडानी मुद्दे को छुपाती हुई नज़र आ रही है, JPC मांग नहीं होने दे रही है और वहीं अब अरविंद केजरीवाल फर्जी डिग्री का मामला लेकर सामने आते हैं और PM नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हमला करते हुए देखे जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यहां मोदी सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी कुर्सी हिल सकती है, तो ऐसे में यह विपक्ष एकजुटता
जैसे राहुल गांधी मौजूद हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हुए, सलमान खुर्शीद मौजूद हुए नीतीश कुमार के साथ, तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, उनके उनके साथ मुलाकात क्या संकेत देते हैं कि अब विपक्ष एकजुटता बहुत मजबूत होने वाली है? एक एक करके सभी विपक्ष एक साथ दिखाई देंगे और यहाँ पर मोदी सरकार को करारी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।